जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका स्वागत है। और हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले इरफान अंसारी आज हमारे साथ मौजूद है। इरफान जी, लगता है विवादों से चोली दामन का साथ रहा है, एक स्टेटमेंट आपका आग लगा देती है सियासत के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग मुझे कह रहे हैं विवादों से रिश्ता है, मैं कहाँ विवादित बयान देता हूं। आपके बयान को थोड़ा सा हमेशा हाईलाइट बहुत ज्यादा मिल जाता है, वो मीडिया वाले दिखाते हैं ना। ओके, इसके वाले अपने लाभ लेने टीआरपी बढ़ाने के लिए हमें विवाद में डाल देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने क्या विवाद किया बताइए? ओके, नहीं, ये जो अभी हाल में आपका जो एक स्टेटमेंट आया था उस स्कूल को लेकर कि खुला रहना चाहिए था, इसको लेकर बहुत, इस पर क्या कहेंगे? स्कूल तो खुला रहे, क्या दिक्कत है उसमें? ये जैसे शुक्रवार को बंद, और ये आरएसएस और भाजपा का चाल है, जामतला को हाईलाइट कर रहा है क्योंकि मैं वहाँ विधायक हूँ। 18 साल आप भाजपा की सरकार रही, वहाँ मंत्री थे रणधीर सिंह, भाजपा के विधायक थे, तब आपने विवाद क्यों नहीं पैदा किया? तब आपको उर्दू बुरा क्यों लगा? आज उर्दू बुरा क्यों लग रहा है? हमने तो नहीं लगा दिया उर्दू वहाँ पर। पुरखों की जिसने ज़मीन दिया, जो ज़मींदाता है, अल्पसंख्यक लोग ज़मीन दिया, 100% बचा है अल्पसंख्यक, तो पहले चला रहा है ये। अब मुझे तूल देकर अब कह रहे हैं कि एकदम समाज को तोड़ रहे हैं। आज बताइए, हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, जो आरएसएस और भाजपा का मंशा है कि हमारा अल्पसंख्यक बच्चा क्लास नहीं करे, नहीं पढ़े, आगे नहीं आए समाज में, वही दिखा रहा था ये लोग, उसी पे चल दिया है हमारा। लेकिन आपने तो ये साफ तौर पर कहा था ना कि फ्राइडे को बंद रखना चाहिए, आपको लगता है संविधान के अनुसार स्कूल चलना चाहिए? फ्राइडे को बंद, देखिए, मैं कोई मंत्री हूँ, मैं कोई सेक्रेटरी हूँ, जो चला आ रहा है प्रथा चलना चाहिए। इसके साथ ही आज का राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं बताना चाहता हूँ, मैं पब्लिक के साथ हूँ और राष्ट्रपति जो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा वही होगा। जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? तो आपने साफ तौर पर इरफान अंसारी को कहते हुए जीएन भारत में सुना है कि जो प्रथा चलते आ रही है उर्दू समाज में, जो प्रथा चलते आ रही है वो चलते रहनी चाहिए, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, बस बोल दिया। अजी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।